श्री पवन कुमार जायसवाल उत्तर संलग्न है। प्ले कार्ड हटवा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि राज्य में 6,13,000 दिव्यांग जन प्रमाण पत्र रहते हुए भी उनको अभी तक 4,97,000 को अभी तक उपकरण नहीं मिला है, 2,14,300 विधवा को अभी तक पेंशन नहीं मिला है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि कब तक बचे हुए लोगों को, दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण और पेंशन देने का सरकार विचार रखती है। माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग। माननीय सदस्य का हम लोगों ने उत्तर उपलब्ध करा दिया है। जो वृद्धजन का पेंशन से संबंधित मामला है, इसका सत्यापन अभी चल रहा है। सत्यापन के उपरांत हम लोग जो है सभी को उनके खाता में डीबीटी के माध्यम से राशि भेज देते हैं। जहां तक सवाल है इनका, माननीय सदस्यों का, जो दिव्यांगजन का प्रमाण पत्र का, तो 50,00,000 के लगभग पूरे बिहार में दिव्यांगजन है, जिसमें से हम लोगों ने 15,00,000 लोगों को प्रमाणीकरण किया है। शेष जो बचे हुए हैं उनके लिए हम लोग कैंप भी लगाते हैं और PHC के माध्यम से भी उनका प्रमाणीकरण किया जाता है। इसको तेजी से करने के लिए हम लोग कैंप का भी सहारा लेते हैं और जो हमारे दिव्यांगजन है उनका हम लोग 100% चाहते हैं कि उनका प्रमाणीकरण हो जाए। और जिनका प्रमाणीकरण हो चुका है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो दिव्यांगजन है, जो छात्र हैं और जो काम करने वाले लोग हैं, स्वरोजगार करने वाले लोग हैं, और उनको घर से दूर जाना पड़ता है, खास करके जो हमारे छात्र हैं उनको दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, तो उनके लिए अभी जो है ट्राइसाइकिल, जो मोटराइज ट्राइसाइकिल है, उसको भी हम लोगों ने स्वीकृति प्रदान किया है और वह भी हम लोग उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। साथ ही जितने दिव्यांगजन हैं उनको कैंप लगा करके भी हम लोग मेला के माध्यम से ट्राइसाइकिल और अन्य उपकरण जो है जिनको जो आवश्यकता है उसको हम लोग उपलब्ध कराते हैं। तो यह काम जारी है और जो शेष बचे हुए हैं उनको भी इसमें हम लोग शामिल करते रहते हैं। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि, और सरकार का जवाब भी है कि 8,02,000 दिव्यांगजन है जिसको पेंशन मिलता है। मेरा ये कहना है कि 6,13,000 दिव्यांगजन ऐसे हैं जिनको प्रमाण पत्र है लेकिन उनको उपकरण नहीं मिला है। माननीय मंत्री जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? माननीय मंत्री जी समाज कल्याण। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने तो पहले ही कहा कि जो भी दिव्यांगजन है, अभी तो हम लोगों ने जो छात्र हैं और जो स्वरोजगार करने वाले हैं उनको लिए भी सिर्फ ट्राईसाइकिल नहीं बल्कि मोटराइज ट्राईसाइकिल देने का प्रावधान किया है। जो शेष बचे हुए हैं कैंप लगा करके आवश्यकता अनुसार सभी को हम लोग जो सहायक उपकरण है वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। बैठ जाइए माननीय सदस्य, अपने स्थान पर बैठ जाए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सरकार कब तक उन लोगों को उपकरण देने का विचार रखती है? और 2,97,000 जो विधवा पेंशनधारी बचे हुए हैं जिनका पेंशन में नाम है लेकिन उनको पेंशन का लाभ नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को कब तक सरकार पेंशन देने का विचार रखती है? सत्यदेव आर्जी, डिस्टर्ब करिएगा बाहर कर देंगे। अगर जो कार्यवाही को डिस्टर्ब करिएगा बाहर कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट पूरक प्रश्न है कि जो दिव्यांगजन उपकरण से वंचित है उनको क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में उपकरण देने का विचार रखती है कि नहीं? माननीय मंत्री जी, हम लोग कैंप लगाकर जल्द से जल्द जितने भी शेष बचे हुए दिव्यांगजन उनको भी उपकरण उपलब्ध कराएंगे। और जो जिनके बारे में विधवा पेंशन के बारे में माननीय सदस्य कर रहे हैं, अभी हम लोग सत्यापन का काम करा रहे हैं। मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि दिव्यांग स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 10,00,000 तक का दिव्यांगों को ऋण दिया जाना है और NHFDs के माध्यम से 50,000 से 50,00,000 तक, 25,00,000 तक का ऋण दिव्यांगजनों को दिया जाना है। इस राज्य में 11,513 दिव्यांगजनों को ऋण देने का मामला लंबित है जिसमें केवल 43 स्वीकृत हुआ। बाकी दिव्यांगजनों का जो आवेदन है उसका कोई खाता खेसरा रखवा नहीं है और विभाग ने कोई ऋण देने का कार्रवाई नहीं किया है। हम माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं, इस आवेदन को लंबित रखने वाले जो पदाधिकारी हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखते हैं? चूंकि मामला दिव्यांगजन का है और माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में बैठे हैं, सरकार इस मामले में गंभीर भी है, तो क्या कार्रवाई होगी ऐसे लोगों के खिलाफ? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को हम लोगों ने पिछड़ा वर्ग
वित्त विकास निगम में ट्रांसफर किए थे, बाद में उन्होंने इस विभाग को भेज दिया। सच्चाई यही है कि जो प्रश्न माननीय सदस्य ने लाया है समाज कल्याण विभाग के पास, इसका जवाब पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को देना था, लेकिन हम लोग के पास इस तरह का कोई भी मामला जो माननीय सदस्य ने कहा है कि 11,553 इस तरह का कोई आवेदन न हम लोग के पास आया है और न ही हम लोग के यहाँ से 43 दिव्यांगजनों का इस तरह का कोई मामला ऋण से संबंधित स्वीकृति किया गया है। माननीय सदस्य का जो प्रश्न आया है उसके बाद हम लोगों ने इस मामले को नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार को हम लोगों ने इनके प्रश्न के आलोक में पत्राचार किया है और उसमें हम लोगों ने गाइडलाइन मांगा है कि क्या समाज कल्याण विभाग इस काम को कर सकती है कि नहीं। अभी तक हम लोग यहाँ इस तरह का कोई मामला नहीं चल रहा। अध्यक्ष महोदय, ये मामला तो समाज कल्याण से जुड़ा हुआ है, ये आवेदन समाज कल्याण को लेना है। देश के अन्य राज्यों में योजना लागू है, अगर बिहार में इस योजना का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया माननीय मंत्री जी के जवाब के हिसाब से, तो क्या इसको लागू करने में जो सक्षम पदाधिकारी हैं समाज कल्याण विभाग के, उनके विरुद्ध कार्रवाई का विचार रखते हैं कि नहीं रखते हैं, क्योंकि बिहार के दिव्यांगजन इससे वंचित हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने पहले ही कहा कि जो भारत सरकार की एजेंसी है उन्होंने हम लोग को इस काम के लिए कहा ही नहीं, तो हम लोग इस काम को कैसे करेंगे। चलिए ठीक है।